दोस्तों, प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन होना बहुत ही दर्दनाक होता है और इसमें आंसू निकलना तो लाजमी है। लेकिन एक ऐसा देश है जहां पर बच्चा पैदा करते समय महिलाएं रो नहीं सकती हैं। जी हां, मां बनना महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत लेकिन दर्द भरा एहसास होता है। इस दौरान उन्हें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। दुनिया के अलग अलग देशों में प्रसव की अलग अलग परंपराएं और संस्कृतियां हैं। प्रसव के दौरान होने वाला दर्द काफी असहनीय होता है। इस दौरान महिलाएं काफी चीखती, चिल्लाती और रोती हैं। साधारण तौर पर बच्चे के जन्म के समय ट्रीटमेंट देकर गर्भवती महिला के दर्द को कम कर दिया जाता है। इन सबसे अलग दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां एक खास समुदाय और स्थान के लोग प्रसव के दौरान महिला को रोने नहीं देते हैं। आइए जानते हैं इस जगह के बारे में। दरअसल उत्तरी नाइजीरिया के हौसा समुदाय के लोगों में प्रसव के दौरान महिलाओं को अपने दर्द को ना प्रकट करने का सामाजिक दबाव बनाया जाता है। जी हां, उत्तरी नाइजीरिया की फुलानी लड़कियों को बचपन से ही यह बताया जाता है कि प्रसव के दौरान दर्द को प्रकट करना बहुत ही शर्मनाक है। वहीं दक्षिणी नाइजीरिया के बोनी लोगों के अनुसार बच्चा पैदा करते वक्त महिलाओं का रोना और चिल्लाना उनके दर्द ना सहने की क्षमता और शारीरिक कमजोरी को प्रदर्शित करता है। इसीलिए आपको बता दें कि यहाँ की महिलाओं को बताया जाता है कि चीखने, चिल्लाने और रोने से दर्द कम नहीं होता है, इसलिए बेहतर है कि चुपचाप दर्द सहा जाए और वो